बसंती चमन में चहक जालके 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 उमर ऐसने बहक जालके उमर ऐसने बहक जालके जब कोनो माई अपने बेटी के गावे खातिन छूट देले होई तबे वो बनल होई भोजपुरियन के आँखी के सपना और तबे बनल होई हमनी के जज आदरणीय कल्पना। देखी इनका पर जवानी बाटे, इनका पर नशा बाटे, जनता के पसंद के जनता इनके पसंद के लिए भी तबे वो जनता के पसंद बनल होई, तबे वो कलाकार से सुपरस्टार बनल होई। जोरदार ताली से स्वागत करी हमनी के रवि किशन, इन्हों पर जवानी बा। आय हाय आज इनका पे बा कल तोहरा पे आईया, जे इनका पे के मन करता थे, बहुत गावे के मन करता, कहे कि हम जाना था नहीं कि जनता हमनी के पसंद करती या बहिन काल नहीं करी तक कौनो बात नहीं घर सूत जाई जाई। जब कौनो पति अपने एगो पत्नी के गावे खातिन छूट देले हो, जब वो करा से कले हो कि तू आईएएस ऑफिसर मत बन, तू हमरे दिल के रानी बाड़ी, तोरे स्वर में हम समझ लेब कि दुनिया के सारा आईएएस अफसर हमरे पत्नी में समाइल बाड़े, तबे वो बनल होई गली गली बस्ती बस्ती चर्चा में आवे वाली मालिनी अवस्थी। दुलरला से ज्यादा सह की जालके दुलरला से ज्यादा सह की जालके दुलरला दुलरला से ज्यादा सहकी जालके जनता के पसंद। हम बार बार जनता के पसंद के बात ऐसे करत हनी कहे कि आज हमनी के एपिसोड जनता के पसंद पे ही आधारित बा। जनता का पसंद करत या जनता जे के पसंद करी वही कलाकार सुपरस्टार हो जाई। आज यह शनिवार के हर स्टेज पे हर एपिसोड वाइज हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया है। मालिनी जी, मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड है वो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और डिसाइडिंग एपिसोड होगा उत्तर प्रदेश के लिए। शुरू करे का हमने के ई खेला, ओकरा में चौथा कुर्सी खाली बाटे ओकरा के भरले के बाद, और आज जो कुर्सी पे बैठी है हमने के भोजपुरी सिनेमा एगो अभिनेत्री देखे आप लोगन के इंटरटेन के ले बाड़े। आज हमनी के अतिथि जज बाड़े विनय आनंद। गुरु जो गुरु शरण में आया उसने ही सब कुछ पाया। जवन सुर गौर के ना कि जो गुरु शरण में आया उसने ही सब कुछ पाया, ये तो जो छओ महायोद्धा लोग बा ना ये लोग के बोला कि जवन भी साहब लोग कहें ओके गुरबाणी समझ के सुने कल्याणे होई। आई रहो अपने कुर्सी पे बैठा। शरण में आया उसने
न्याय मंडल के आदेश लेके हम शुरू कर रहल बानी भोजपुरी संगीत के एक अनोखा महासंग्राम, जौना में घमासान बाटे दो प्रदेश के बीच, के बचाई अपने प्रदेश के सम्मान, के बनी अपने प्रदेश के शान, भोजपुरी के सिरमौर बनी यूपी या बिहार। अब बुला रहल बनियों के शुरुआत करे खातिन ओ महायोद्धा के जे बाटे बिहार के आन, जिनकर चर्चा बाटे घर घर, जाहिद अनवर। आपके बारे में जनता का सोचतिया, हमनी के जनता के बीच में गैली जा, और जाहिद भाई खातिर का रिस्पॉन्स बा ये आप लोग के सामने बाटे। जाहिद भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और मुकेश की आवाज़ मिलती जुलती आवाज़ है। जाहिद जौन तू भजन सुनौले रहला अभिन राम जी के निकले सवारी, वैसन भजन तो मोहम्मद रफ़ी ही गा सके। जाहिद तुम बहुत अच्छा गाते हो और हमारी ख्वाहिश है कि तुम कौने दिशा में लेके चला रहे बटोहिया सुना दो। वैसे हमारे एक रिक्वेस्ट बा कि नदिया के पार का एक गाना सुना दा, यही हमारी दिली तमन्ना बा। चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ए ठहर ठहर ये सुहानी सी ठहर, जरा देखन दे देखन दे, मन भर माई नैना बांधे ये डगरिया, मन भर नैना बांधे ये डगरिया, कहीं ने जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँ कन दे कन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। तोरा अंग हो महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। देखन दे देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। जाहिद भाई के जनता के पसंद परिगीत कितना अच्छा लगल, एकरे खातिन चलब हम विनय आनंद जी के पास। अरे बाबू तू तो हमार दिल एकदम खुश कर देले बानी, हम का बताई, बहुत बहुत मीठ आवाज बा तोहार, बहुत बढ़िया बा और खुश रहा। थैंक यू सर। तीन लोगन में से केकर नंबर जाना चाहता? मालिनी जी से। सच कहूं ईमानदारी से तो आप इस गाने को बहुत अच्छा गा सकते थे। कहीं कहीं पे सांस की कमी, यदि आपको दिक्कत हो भी तो ब्रीदिंग इसमें नहीं आनी चाहिए,
सुनाई दे रही थी, लेकिन गाने का इम्पैक्ट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। नंबर मेरी ओर से 34। थैंक यू। 34 नंबर मालनी जी से। और आज हमारा मन करता कि रवि भाई नंबर बताए। फाइनल की ओर हमनी लोग जाता नहीं। 25 लाख, 11 लाख, अब बारी आ गई बा अग्रेशन का। अब आ जाओ, निकाला अंदर से, और वो आवाज में आए के चाहिए, वो वॉर दिखे के चाहिए कि युद्ध चलता। ये कोनो मजाक नहीं खे, ये मंच के लम मंच की तरह ये जीवन बदले ला। ये मंच ये सब लोगन के सोचे के चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 35 नंबर देता नहीं तरह के। थैंक यू सर। 35 नंबर, इतना डांट के 35 नंबर प्यार से देता तो 40 हिल जाए। कल्पना जी जाहिद खातिर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मीठा गाते हो आप। थैंक यू। जाहिद, मैं चाहूंगी 2 लाइन आलोक की इस खाली अंतरे की सुनिए आप। पहली बार हम निकले हैं घर से किसी अनजान के संग हो, अनजान से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मुझे तंग हो। संग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। कहे ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया। वादिया ठहर जाएंगे, दिशा ठहर जाई, एक हम आसान में रवा सा अपने टीवी के सामने थोड़ा देर खातिन ठहर जाई। आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, एक हम आसान में ले छोटा सा विराम, तुरंत हाजिर होता नहीं लेके आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। कोरी यूपी बाटे कोरी बिहार, ना तो चली लाठी ना तो चली तलवार, खाली चली भैया सुर के धार, सुर संग्राम भोजपुरिया, चली नीहा सुर के धार, सुर संग्राम भोजपुरिया, चली खाली सुर के धार। स्वागत बाटे आप लोगन के, आपके बस पसंद आपके दिल में बसल आपके कार्यक्रम सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। जाहिद मियाँ के बाद अब बुलावतनी है महासंग्राम में शनिवार के, जिनके पास उत्तर प्रदेश के विजय पत्र 2 बार से मिल रहा बा। जोरदार ताली से स्वागत करी गाजीपुर के सुरीला धरोहर बाबू मनोहर। इससे पहले कि गाना गावें, हम आपके बतावल चाहता नहीं कि जनता गाजीपुर के, जनता ओह क्षेत्र के, पूरा पूर्वांचल के मनोहर के बारे में का सोचत या और इनका से का सुनल चाहती है। मनोहर तुहार गाना सुन के हम लोगों के गाजीपुर के शान बढ़ेला। मोहन राठौड़ के बाद अगर कोई भोजपुरी के साम्राज्य में उनका उत्तराधिकारी बा तो वो तो ही बड़ा। मनोहर तुहार गाना अच्छा लगा, तू उत्तर प्रदेश का शान हुआ। मनोहर आपकी गायकी में हम लोगों को असली भोजपुरी रंग दिखता है, और मैं वही गाना आपसे सुनना चाहूंगी जो पिछले साल मोहन राठौर ने गाया था माड़ो गीत में। आज जनकपुर में माड़ो। बेटा मनोहर चाप के गाइए, उत्तर प्रदेश का जिताइए। आज जनकपुर में माड़ा बड़ा मारावा बड़ा सुहावा
जनता मनोहर के बार बार मोहन राठौर के जगह देख रहल बिया। सच कहूं, आपने मोहन से अच्छा गाया। मालिनी जी के तरफ से नंबर कितना मिली? 39। 39। मनोहर सही फॉर्म में हो और वो बरकरार है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया। अद्भुत बाड़ा तू, अद्भुतम बाड़ा तू, अद्भुतास बाड़ा तू, हर हर महादेव। 38। अब विनय आनंद जी के जी अतिथि जज बाड़े। हम पहले आपे के हैं जैतनी, लेकिन आज हम थोड़ा नियम के उल्लंघन करके गाड़ी के तनसा ना वो सर बरवाड़ी फैजाबाद होते ले नहीं। मनोहर बाबू खुश रहिए, और आपने मुझे एक व्यक्ति की याद दिला दी, मोहन बाबू की, जो यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि ब्याह का गाना चल रहा था, शादी का कुछ एपिसोड चल रहा था, और हमारे मोहन बाबू ने एक गाना गाया था कि शायद बांध के खुलाई। मोहन बाबू जी भैया, देखिए हम यह कब के भैया जनता के गुजारिश होती है, रिक्वेस्ट होती है, और मारो खोले वाला गाना रहे, रउवा वो गाना हमरा के तनी गा के सुनाई अपन मधुर आवाज में। ए पसंद के हमनी के नोट कर लेनी जा, आपके गाना आज सुनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। 38 और 39 कल्पना जी के नंबर और विनय जी के नंबर अंत में बताइब हम मनोहर खातिर, और चल के अपनी कुर्सी पर बैठ जा। जय हो। और अब हमनी के विनय जी के बात के ध्यान में रखते हुए मोहन राठौर माड़ो खोले वाले गीत के साथ मंच पे। बाबा पीस के तनी पीस के। बांधी के खोलाई समधि मांगे समधि निया के, बांधी के खोलाई समधि मांगे समधि निया के, बांधी के खोलाई समधि मांगे समधि निया के। मारावा में भीड़ भइल भारी, ए हो मारावा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदा खोलाई समधि मांगे समधि निया के, मारावा में भीड़ भइल भारी। अरे बा भाई बा, मारावा में भीड़ भइल भारी, बड़ा
हम भी जी नाराज बाड़े, लेकिन कैसे मनावता लोग उनके। ना लिहलन गईया ना लिहलन भैंसिया हो बाबा राजेश भैया। ना लिहलन गईया ना लिहलन भैंसिया हो, ना लिहलन गईया ना लिहलन भैंसिया हो, ना लिहलन बैला अउरी पाड़ी ए हो, ना लिहलन बैला अउरी पाड़ी बड़ा रंग रंगदार समधि बांधी के खोलाई समधि मांगे समधिनिया के, बांधी के खोलाई समधि मांगे समधिनिया के, मारावा में भीड़ भइल भारी ए हो, मारावा में भीड़ भइल भारी बड़ा रंगदार ए हो, मारावा में भीड़ भइल भारी बड़ा रंगदार समधि हो, ना लिहलन बैला अउरी पाड़ी बड़ा रंगदार समधि हो, मारावा में भीड़ भइल भारी बड़ा रंगदार समधि हो, ना लिहलन बैला अउरी पाड़ी बड़ा रंगदार समधि। रवा सब आनंद लींद आनंद के सागर में डूबकी लगाई जा, जहां सब कुछ भोजपुरी संगीत भोजपुरी के संस्कृति के आसपास सब कुछ वही से उत्प्रोत बाटे। एक घमासान में विजय पत्र आज केकरे पास बची और के आज सबसे नीचे मार्किंग लेके खतरा में फंसी, यह सब घमासान में एक लेप छोटा सा विराम। रवा सब देख रहा बनी जा हमनी के भोजपुरी संगीत के महासंग्राम, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार। ना तो चली लाठी और ना तो चली तलवार, चली खाली सुर के धार, देखत रही जान। सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार। ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली खाली सुर के धार, देखत रही जाही घमासान। सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। कलाकार तो हमेशा बच्चे होला, चाहे ओकर उम्र कुछ हो जाए, वो हमेशा बच्चा के तरह सोची, बच्चा के तरह हंसी, बच्चा के तरह बोली, बच्चा के तरह व्यवहार करी, लेकिन अपन सपना नहीं छोड़ी। हम बुला रहल बानी अपने वही एगो सपना के लेके चल रहल भी है वो लड़की, जो न जाने कितने बार अपने संगे देले बिया सुर के घमासान के दावत। हम बुलाई आज जिनके पास विजय पत्र बाटे, बिहार के आन ममता रावत। आज जनता के पसंद के बात होता थे ममता जी, और जनता के पसंद की बात रहे तो हमनी के तोहरे गांव के आसपास, तोहरे झारखंड में, तोहरे रांची में हमन के टीम गईल, लोगन से पूछल ममता के बारे में का सोच बाटे, जनता तोहरा से कैसन गीत सुनल चाहतिया और का भाव रखतिया, ये तोहरे सामने बाटे। हाय ममता दी, मेरा नाम मुग्धा है। हम रांची की लड़कियों को आप पे बहुत गर्व है और हम चाहते हैं कि इस बार का फाइनल्स आप ही जीतो। उनके ये लगा था ईशन कि ये बारी कौनो लड़की है जीती सुर संग्राम के। ममता, वाकई तुमने झारखंड का नाम रोशन किया है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी पसंद का एक गाना गाओ, फुलौरे बिन चटनी कैसे बने। चटनी कैसे बनी, फुलौरे पे ना चटनी कैसे बनी।
विजय पत्र हाथ में है और उड़ान का हौसला जारी है। हम सीधे चलल चाहतनी आप खातिर द रवि किशन। पूरा मेहनत, पूरा लगन, तपस्या, सब कुछ तोहरा में बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया जाताड़ू, बहुत बढ़िया जाताड़ू। आज थोड़ा सा छौक कम रहे। 34। मालिनी जी, आपके अंतरे का एक भी शब्द मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, जबकि इतना लोकप्रिय गीत है। वो एक बहुत बड़ी कमी है। आप शब्दों का उच्चारण में, गाने की रॉ में ये जरूर ध्यान रखिए कि आप क्या गा रहे हैं, क्योंकि जो गा रहे हैं उसको आप तो दर्शकों तक पहुंचाना है। एक एक शब्द का उच्चारण विशेष रूप से आंचलिक भाषाओं में तो बहुत जरूरी है। अब आप बानी और जाहिद बाड़े और विजय पत्र बाटे, विजय पत्र भी बा, और आज कल्पना जी के कमेंट्स और नंबर भी ममता खातिर। आपने गीत को आज इंजॉय क्यों नहीं किया ये मुझे समझ में नहीं आया। मैम, हम तो अपने तरफ से पूरा एंजॉय कर रहे थे। आप एंजॉय कर रहे थे, ओके, तो वो अच्छी बात, लेकिन मुझे वो एंजॉयमेंट वो नहीं दिखा, आज यहाँ तक नहीं पहुँचा। नंबर है 33। विनय आनंद जी, तोरे खातिन का कहत बाड़े? मुझे ऐसा लगता है कि सुर संग्राम के मंच पर चटनी वाला गाना जो है उससे अगर हम लोग ये अनुमान लगाएंगे कि वो सिंगर वहाँ तक पहुँच पाएगा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। ऑडियंस ने कहा है आपको पुलौरी मिन चटनी, उनका पूरा हक है। वो चटनी में नाचने के बोलिए, कहीं भी नाचने के लिए बोले, उनका पूरा हक है। वो क्या जनता अगर एक बार बोलेगी तो मैं भी, और मैं क्या, पूरा समाज वहाँ नाचता है। सर, तो खुश रहिए, निराश मत होइए। ये तो सुर संग्राम है, यहाँ तो घमासान ठनी। रहुआ अपनी कुर्सी पे चल के बनी जाए। अब हम बुला रहल बानी यूपी के शान के एक लड़की के, जो पिछले बार हाईएस्ट स्कोरर रहली, लेकिन ओकरा से पहले एलिमिनेशन में जात जात बचली। जब वापस अली तो बहुत राहत महसूस के लिए रहे। बनारस के मंगला सलोनी जी के जोरदार ताली से स्वागत करें के। और ऐसे पहले के मंगला सलोनी जी के गीत होके, हम मंगला जी के बतावल चाहता नहीं कि आज के एपिसोड जनता के पसंद पे हो रहल बा, और आपके दिखावल चाहता नहीं कि जनता आपके बारे में का सोचतिया, और जनता आपके कौन गीत सुने खातिर भेजले बिया। हम मंगला की दादी हैं, और मंगला हम ही से सीखी हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। मंगला दीदी, आप बहुत अच्छा गा रही हैं, हमें उम्मीद है कि आप आगे चल के इससे ही बढ़िया करेंगी। हमारी बनारस की शान तुम बनोगी। मंगला, लता जी का गाना हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो एक बार सुना दो। हम लोग इस बार चाहिला कि तू गाना गावा हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबे।
आप खातिर हम सीधे चलल चाहतनी मालिनी जी के पास। अरे नामो रे धन गुण नामो रे जो बना नामो रे को गहनवा। अरे ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़े बे सैया से कराई द मिलनवा। हाय राम सैया से कराई द मिलनवा हो राम। जो लोगों ने आपके लिए बोला है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि गानों के चयन में भी कलाकार का व्यक्तित्व झलकता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गाया, बहुत नंबर 35 35 नंबर ममता से अच्छा नंबर मिलल बा तोहरा के मालिनी जी के तरफ से। कल्पना जी के पास चला तनी। मंगला हमेशा आप सही में ऐसे ऐसे गीत को आप चूज करके लाते हो और सुन के जैसे एक ताजगी आ जाती है, बहुत बढ़िया लगा। मंगला के लिए नंबर है 32 32 नंबर। बहुत बढ़िया सिंगर बाड़ू तू कोयल नियन बाड़ू। हम तो तरह के साक्षात माई सरस्वती के रूप कहनी हमरा नजर में। जय विनय आनंद जी। हमने सुना है कि अगर आदमी दिल से गाए तो पहले जमाने में जब बरसात नहीं आती थी लोग गाना गाते थे कि बरसात आ जाए, तो सुर में ही भगवान बसता है। और आप अच्छा गाइए, आपने अच्छा गाया है और बहुत खुश रहिए। थैंक यू। एक कमेंट्स नहीं कि एगो बूटी बाटे जो हर महायोद्धा लोगन के अच्छा से लेके चले के बाटे। एक तरफ बाटे यूपी के शान, एक तरफ बाटे बिहार के आन, जहां अब बच गए बाड़े सिर्फ 6 महायोद्धा। केकरे माथे पे बनी मोर के बन जाए 25 लाख रुपया और शानदार बाइक के हकदार, ई निश्चित हो रहल बटे आज के परफॉर्मेंस पे। और ई परफॉर्मेंस पहुंचा सकेला कोई के ओकरे बहुत पास। हम बुला रहल बानी अपने उत्तर प्रदेश के अभिषेक अरुण जी। जोरदार ताली से स्वागत करी सुर संग्राम के मंच पे। अभिषेक जी, जनता के पसंद आज सबके मिल रहल बटे जी। और आपसे बिना कुछ बात के लिए पहले हम जनता आपके बारे में का सोचतिया और आपसे का सुनल चाहतिया, ये आपके सामने बाटे। अभिषेक अरुण के अंदर हमें एक प्लेबैक सिंगर का क्वालिटी दिखा था। आपका गाना हमें बहुत पसंद है, आपके हम जिताए। हम लोग के ताका ताकी वाला गाना सुना था। ताका ताकी गई बात 100 रुपया पैबा। ताका ताकी रे भाई कब मिलबू तू फूल झाड़ी में। ताका ताकी ढेर भइल, ताका ताकी ढेर भइल, बोला मिलबू कब फूल झड़ी। ताका ताकी ढेर भइल, बोला मिलबू कब फूल झड़ी। तनी बोला हो ओ तनी बोला हो, बोला हो गाड़ी बाड़ी की ढेठालाड़ी। बोली बोला बोला हो
मिलबू कब फूल झड़ी तनी बोला हो ओ तनी बोला हो बोला हो तेज बड़ी की गाड़ी लाड़ी तनी बोला हो बोला हो तेज बड़ी की गाड़ी लाड़ी तनी बोला हो तेज बड़ी की गाड़ी लाड़ी तनी बोला हो तेज बड़ी की गाड़ी लाड़ी हम सीधे चल रहे बनी कल्पना जी के पास। कई जगह सुर बहुत अच्छा लगा है, कई जगह सुर बहुत फिसल भी गया। टोटलिटी में अच्छा ही था, जिस टाइप का सॉन्ग है उस हिसाब से आपने अच्छा निभाया। गाना शायद पब्लिक डिमांड बाटे, जनता भगवान हमनी लोगन के भगवान, तो हम जाना तनी कि गाना तू दिल तोरे मन का ना रहे, रहे भी ना रहे भी 50-50 रहला, तू बीच में झूलत रहला। रवि भैया अपन नंबर बता दें। 31। थैंक यू अभिषेक, प्रस्तुति बहुत जोरदार है। गनवा खातिर हम खाली यह कहब, जौने दौर पे ये कार्यक्रम के स्तर पहुंच गए है, ई बेल मड़िए ना चढ़ी। औसत हमारी तरफ से 31। विनय जी इनका खातिर कुछ बोली। हमरा के ऐसा लगा था कि तू और बहुत ज्यादा बढ़िया गा सकीला, और एकरा लेल तोरा के बहुत ज्यादा मेहनत करे के पड़ीला, तो तू बहुत दिल से गा और आगे बढ़, खुश रह। हम पूरे दुनिया के और जज साहब लोगन के पार्टिसिपेंट लोग के लेके चलता नहीं, जनता के बीच में एगो ऐसन चीज आइल जवन खास बा। नमस्कार कल्पना जी, आपसे एक शिकायत है कि आप गाना नहीं गाती हैं। ना कल्पना जी, चाय पिया हमरे मन पसंद करके गाना सुनाता। हम चाहती कि एक गाना गिल रलू आलोक जी के साथ है, डुएट गाना गिल रलू, हम चाहती वो गाना तू हमके एक सुना दा। ओके कल्पना जी, आपका दो गाना हमें बहुत पसंद बा, एगो गमछा बिछाए के एगो बहुनी जींस पहनने वालों। जनता कहे तो हम तैयार, कल्पना जी के संगे गावे खातिर आलोक जी होशियार। एक ऐतिहासिक समागम, एगो लड़िका जे पार्टिसिपेंट बन के आइल आज जज साहब के संगे गाई। अपनी जींस पहिरने बारी, अपनी जींस पहिरने बारी, ताके के हो उहो देखा ताकता मचल खातिर रने आगे पीछे झाकता। मचल बाटे घमासान, और एक घमासान में एक छोटा सा विराम आपके कार्यक्रम में, जना के नाम बाटे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। वापस स्वागत में खड़ा बाटे आप लोगन के सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। हमनी के खोज रहल बनी जा भोजपुरी संगीत खातिन एगो और सितारा, जे अपने गायकी से दीवाना बना दे भोजपुरी दुनिया के। हमनी के खोज रहल बनी जाए गौर मोहन राठौर,
हमनी के खोज तनिजा गोर आलोक कुमार, हमनी के खोज तनिजा संगीत के सुपर सितारा जेकरा पर सब कोई गर्व कर सके। और अब जेकरा के बुलावे जा रहल बानी उनकर ध्यान करके भी मन बहुत निर्मल हो जाला। बनारस के गलियन में जहाँ हर गली के हर मोड़ पे एगो सुरीला तान लगावत कौनो व्यक्ति मिल सकेला, ओह नगरी से अइले हमनी के उस सुर के कलावीर। अब उनकर परफॉर्मेंस हुई जिनकर नाम बाटे रघुबीर। जनता आपके कैसे पसंद करतिया और जनता आप खातिर आज कौन पसंद भेजले बिया का सुनल चाहतिया, ई आप देख तो नहीं सकब लेकिन हम सुनाई जरूर आपकी। रघुवीर, हम लोग को आपका गाना बहुत पसंद आता है। तुम्हारे गाने से हम लोगों ने ऐसा सीखा कि भोजपुरी में भी इतना अच्छा गाना हो सकता है। बनारस का तूफान हुआ और तू ऐसे ही गा के पूरा दम फाड़ दिया यार। अच्छे अच्छे गीत सुनाया आपने भोजपुरी में। हम बनारस वासियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को आपके ऊपर नाज है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ही नंबर वन होंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। रघुवीर जी, आप ये गाना गाएं, सखी सखी सैया खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, ये बहुत बड़ा टचिंग गाना है। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। Thank you.
की, महंगाई मैया की। और हमके लागत था कि अगर रघुवीर जी के भेंट आमिर भैया से भई रही तो ये गावत रहते। रवि भाई ऐसा हो सके लेकिन एकदम सत्य सत्य वचन मनोज बाबू, सत्य वचन। अगर रघु भैया वो रघुवीर यादव जी ने गाया है, रघुवीर यादव जी वो भी रघुवीर यादव जी और ये भी रघुवीर, अरे बाबा वाली थी वो भी रघुवीर ये भी रघुवीर। आमिर साहब को मिलते आमिर बड़े अच्छे और 100% ये उठा लिए जाते उस सिनेमा में ये होते। कल्पना जी बस यही लगता है शायद वो लास्ट एपिसोड में जो भी सिचुएशन था वो जरूरी था, वरना आज ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मालनी जी गाइए। अरे सैया सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। देसी घी देसी गुड़ ओमें जो ना फायदा जौन रस जौन सार जौन तत्व देखे के और खाए के शरीर के मन के आत्मा का मिलेला वो बाजार के गुड़ में नहीं है। रघुवीर बाबू हमार देसी गुड़ बाटे। थैंक यू। और ये देसी गुड़ खातिर विनय आनंद जी कुछ बता सके नहीं। आप जो हैं एक एग्जाम्पल है पूरे विश्व में पूरे हिंदुस्तान में कि आपसे लोग सीखें देखें समझें और आए आगे बढ़े सुर संग्राम के मंच में आए और बिंदास आके परफॉर्मेंस दें। आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर। आज हम नंबर जानल चाहब कल्पना जी से। नंबर है 37। थैंक यू मैम। आज हमने के रवि भाई के नंबर तोरे बता दिया जाओ का कि मालनी जी के जैसे मन तोहार का मन बा हम 39 देव 39। और ये सब कुछ के बाद हमने के कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जाए और सब कोई अपने स्थान पे चल के बैठ जाए। रिजल्ट हमरे हाथ में बाटे। मालनी जी रवि किशन जी कल्पना जी और विनय आनंद जी के दिहल रिजल्ट हम देखे जा रहल बनी। इंटरेस्टिंग जौन आप सोच के बैठल बनी शायद उन्हीं होके जात। बहुत कुछ ऐसा होके जाता जौन आप सोच नहीं सकी ना। हम चाहब कि सब पार्टिसिपेंट लोग मंच पे आ जाए। और आज जज साहब लोगन के नंबर के बाद जज साहब लोग देहनी नंबर ममता जी के
टोटल नंबर मिलल 132। जाहिद भाई के मिलल बाटे 133। ममता के विजय पत्र आज छिना गेल। जोरदार ताली स्वागत करी जा, तोरा खातिर शुभकामना बाटे। विजय पत्र आज जाहिद के हाथ में, जोरदार ताली से स्वागत करे के। आज के एपिसोड में एगो अवार्ड दिहल जाला, जज साहब लोग चुन रहल बानी जा, तरो ताजा परफॉर्मर ऑफ द डे रघुवीर। रघुवीर बाबू मुबारक हो। आज सबसे कम नंबर जेकरा के मिलल बाटे उत्तर प्रदेश के शान लोगन में से, उनकर नाम बाटे अभिषेक अरुण। आज आपके मात्र 128 नंबर मिलल बाटे। मंगला जी के मिलल बाटे आज उतने नंबर जितना पर जाहिद के विजय पत्र मिल गए, 133। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी घमासान बा कि 133 और 128 के बल पे विजय पत्र के बारे में नहीं सोचल जा सकत। मनोहर के मिलल बाटे 144। 144 का मनोहर के विजय पत्र बची। रघुवीर बाबू के मिलल बाटे 151। मुबारक हो रघुवीर जी, आज तू मनोहर से इनकर विजय पत्र छीन ले ला। और मनोहर बाबू अपन विजय पत्र सुपुर्द करिए रघुवीर के। आवा चल के बैठ जा। बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे आप लोग के स्क्रीन पे। और मक्का जी जी भी खाए गई, मौत है महंगाई। अभिषेक, मनोहर, मंगला और ममता, ये चारों में से अगर कल्पना कही जाओ कोई जाता तो लागत में जहाँ हम सुर संग्राम खड़ा वाक मिल सकेला। सारे प्रश्न के जवाब लेके मिलल हम शुक्रवार के आपके वह कार्यक्रम में, जहाँ भोजपुरी संगीत के महासंग्राम मचलबा, जहाँ एगो घमासान मचलबा अपने प्रदेश के सिरमौर बने के, जहाँ एगो घमासान बाटे 25 लाख रुपया के इनाम और शानदार बाइक जीते के, ओजिंगा आपके प्रोग्राम में मिलब शुक्रवार के, जोना के नाम बाटे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध।